स्टूडेंट हम इस चैप्टर का स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्लास 11th का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी और कम्प्लीटली फिल्ड एंड एक्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं एलिमेंट्स में तो कभी कभी एक्सेप्शन आती हैं। वो क्या है, कैसे होती हैं, वो बताते हैं हम। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेरियस एटम जनरली फॉलो द रूल्स, हमें पता है रूल्स फॉलो करते हैं जो हमने तीन पढ़े, हंस, पॉलियन और कौन सा ऑफ वो पढ़ा, वो रूल फॉलो करते हैं। तो जिसकी एनर्जी कम होगी उसको हम पहले भरेंगे, जिसकी एनर्जी कम ज़्यादा होगी उसको बाद में भरेंगे। तो इन्होंने बोला जैसे सबसे पहले सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये किसकी वजह से होता है, हाफ फील्ड और फुली फील्ड की वजह से होता है, क्योंकि हाफ फील्ड जो होगा वो भी स्ट्रांगली होगा और फुली फील्ड होगा वो भी स्ट्रांग होगा फील्ड उसका। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हम यहाँ कॉपर और किसकी करेंगे, क्रोमियम की करते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हाफ फील्ड हो या फुली फील्ड हो तो वो ज़्यादा स्टेबल है, तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ हो कि वो उसको फिल कर दें। जैसे पहले हम क्रोमियम की बात करें, जैसे कॉपर जो सॉरी क्रोमियम जो है वो 24 है, तो उसको फिल करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d खाली रहेगा क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है, बाद में भरा जाएगा, 4s2, तो यहाँ पे 4 आएगा। अब इसको फुल करने के लिए कितने चाहिए ये आपको पता है, इस तरीके से होगा, इसके 5 ऑर्बिटल होंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5। तो पहले सिंगली भरेंगे, 1, 2, 3, 4, सिर्फ एक चाहिए इसको हाफ फिल करने के लिए। हाफ फिल जो होगा वो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा फील होगा, तो सिमेट्री ज़्यादा हो जाएगी, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसको सिर्फ एक चाहिए, तो ये इसका ले लेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3d5 और 4s1, तो ये एक्सेप्शन आ जाएगी क्रोमियम में। कॉपर में जैसे ये हो गई 29, तो यहाँ पे देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ फुली फील्ड की बात आएगी, 3d4s2, तो यहाँ पे हो गया 9। सिर्फ एक चाहिए इसको फुल करने के लिए, तो ये इसका ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, 3d10 4s1। तो अपने आप को या तो हाफ फील्ड हो या फुली फील्ड हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, उसको करने के लिए ये क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन हो जाएगी हाफ फील्ड और फुली फील्ड की वजह से। नेक्स्ट है एक्सचेंज एनर्जी। अगर पैलेट स्पिन हो इलेक्ट्रॉन्स की, अगर इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल में पैलेट स्पिन हो तो वो क्या कर सकते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 कहीं भी जा सकता है, तो ये जो एनर्जी इसमें एक्सचेंज होने में लगती है उसे बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूँ कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो ये पहला वाला ये कहाँ कहाँ जा सकता है, यहाँ 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 तीन जगह जा सकता है, यहाँ पे इसके 3 एक्सचेंज हो सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन के। सेकंड वाले कितने हो सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 2, और थर्ड वाले कितने हो सकते हैं, एक ही हो सकता है। तो तीनों को प्लस करो, सबको प्लस करो, तो 6 एक्सचेंज है इसके। नेक्स्ट अगर 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 हाफ फील्ड है ये, तो ये जो पहला वाला है ये कितनी जगह पे जा सकता है, 1, 2, 3, 4 पे जा सकता है। सेकंड वाला 1, 2, 3, और थर्ड वाला 2 पे, और लास्ट वाला 1 में, सबको प्लस करो तो इतना इसके एक्सचेंज निकल जाएंगे। तो ये है एक्सेप्शन इन कॉन्फ़िगरेशन।